ग्यारहवीं क्लास में पढ़ने वाली ममता, जिसका हमने आपको कल एक वीडियो दिखाया था, उसके बाद से हमारे तमाम दर्शक, तमाम लोग हैं उस ममता की शिक्षा को लेकर चिंतित। ममता के बारे में हमने पूरी की पूरी बात आप लोगों को बता दी थी कि कैसे यहाँ तूफान के दौरान बारिश आई, उसकी किताबें बह गई, उसकी बकरियाँ कहीं खो गई, उसको काफ़ी नुकसान हुआ, उसके पिताजी नहीं हैं, माँ अकेली है घर में, उसके कोई चाचा ताऊ भी नहीं हैं, दादा दादी हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, अकेली बहन है, मम्मी के साथ रहती हैं, इनके चाचा हैं उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई। तो इस दरमियान ममता ने एक डॉक्टर सतीश पूनिया बीजेपी नेता को चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी काफ़ी वायरल हो गई। उसके बाद हम यहाँ आए, पूरी इसकी बात जानी, इसकी जो पीड़ा थी, व्यथा थी वो जानी, तमाम लोग आए, ममता को सहयोग भी किया, किताबें ला के दी, जैसा जिसको सहयोग करना था वो किया। तब हमने एक वीडियो बनाया, उसके बाद से तमाम लोग हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि ममता के लिए हम लोग कुछ हेल्प करना चाहते। मैंने उनको यही कहा, जिन लोगों ने भी कहा कि ममता को अब ज़रूरत जो है वो पढ़ाई की है, ममता कैसे आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, ममता को हम लोग आर्थिक सहयोग कर लेंगे तो उससे वो हो सकता है उसके लिए आगे वो पढ़े नहीं, उसके बाद ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ें कैसे, उसकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट, क्योंकि ममता को उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं आपको आगे और नहीं पढ़ा सकती, अपनी ऐसे स्थिति नहीं है। इस दरमियान हमारे पास एक फ़ोन आता है डॉक्टर भरत सहारन और उनकी टीम का, 50 विलेजर्स, एक ऐसी संस्था जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है, वो एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही निर्धन बच्चे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं उनको वो एडॉप्ट करते हैं, उनका पूरा टेस्ट होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, अगर उसमें वो पास हो जाते हैं तो उनको वो पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में 50 विलेजर्स में पढ़ने वाले 17 ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टरी करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे और आने वाले कुछ सालों में वो डॉक्टर बनेंगे। 50 विलेजर्स का नाम आप सब लोग भलीभांति जानते होंगे। उन्होंने कहा कि अशोक जी हम उस बच्ची को पढ़ाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। 50 विलेजर्स में जाने वाले बच्चों को सिर्फ अपना शरीर और दिमाग लेके जाना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उनकी पढ़ाई, उनकी खाना, रहना, खर्चा, किताबें, कोचिंग, सब कुछ वो करवाते हैं और आखिर में सफल भी वही बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 50 विलेजर्स के बारे में और भी कहीं जगहों से ज़रूर जानें और इस वीडियो को भी शेयर करें 50 विलेजर्स के लिए। तो उनकी टीम का फ़ोन आया और बोला कि हम लोग उनको पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हमारी जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करेंगे, पहले उसका टेस्ट लेंगे, अगर उसमें वो सेलेक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग उसे हमारे वहाँ पर ले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर आए, उनकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आर्थिक परिवार, आर्थिक स्थिति कैसे हैं, आसपास के लोगों से कैसा उसका व्यवहार है, उसके परिवार का कैसा व्यवहार है, सब कुछ मापदंड है वो ठीक बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि ममता ने जब 10वीं का एग्ज़ाम दिया था तब वो बहुत ही बीमार थी, अस्पताल में भर्ती भी थी, अस्पताल से आकर के वो एग्ज़ाम देती थी, इस दरमियान उसके रिजल्ट बहुत कम आए, वो इस प्रकार के उनके अंक नहीं आए 10वीं में कि वो वहाँ कलाम आश्रम में जाकर के आप 50 विलेजेस में जाकर के पढ़ें और आगे कुछ बन सकें। इसलिए अब इस ममता को 10वीं पुनः कराएंगे कलाम आश्रम के तहत। अब मैं आपको कलाम आश्रम के बारे में बताता हूँ। कलाम आश्रम भी ऐसे बच्चों के लिए है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन वहाँ पर जो एक कॉपरेटिव फीस होती है वो ली जाती है, बच्चों को कितना जो उनकी शिक्षा, पूरा कोचिंग, पढ़ाई वो सब वो फ्री करवाते हैं, लेकिन उस बच्चे के खाने का, किताबों का, कपड़ों का वो उनको एक नॉमिनल जो फीस होती है वो ली जाती है। तो अब ये निर्णय लिया है ममता ने, इनकी मम्मी ने और इनके परिवार के तमाम लोगों ने कि अब इसको 10वीं वापस से कराएंगे, क्योंकि उसकी जो फीस लगती है उसकी घोषणा यहाँ के चौटन सरपंच प्रतिनिधि और समाज सेवी रूप सिंह राठौड़ चौटन ने कल ही घोषणा कर दी थी उनके बेटों ने कि इनकी जो खर्चा होगा वो पढ़ाएंगे। तो अब ऐसा करेंगे 10वीं इसकी जो होगी कलाम आश्रम से उसका जो खर्चा, नॉमिनल खर्चा आएगा वो रूप सिंह जी वहन करेंगे और उसके बाद से इस बच्ची को 10वीं करने के बाद 50 विलेजर्स जो संस्था हैं वो एडॉप्ट कर लेगी और उसके बाद से सारी की सारा खर्चा, रहना, पीना, जाना, सब कुछ वो 50 विलेजर्स स्वयं वहन करेगा। अब ममता का टेस्ट लिया जा रहा है, हम सब लोग ये दुआ कीजिए, उम्मीद कीजिए कि इस बच्ची का 50 विलेजर्स में सलेक्शन हो जाए। ममता अपना एग्ज़ाम दे रही है, यहाँ पर परीक्षा दे रही है, जो यहाँ 50 विलेजर्स का सिस्टम होता है उसका एग्ज़ाम दे रही है, इसकी मम्मी और दादी पास में है और मेरे सहयोगी दूसरी तरफ 50 विलेजर्स की उस टीम को भी दिखाएंगे। ये टीम इस चलती बारिश में इस बच्ची को देखते हुए यहाँ पर पहुँची है। मैं पहले ममता से बात कुछ करूँगा, उसके बाद उनके जो सर आए उनसे बात करूँगा। अच्छा बेटा,
क्या लग रहा है, इस टेस्ट दे दोगे? क्या हुआ था 10वीं में आपके अंक कम कैसे हैं? बीमार थी। बीमार थी, अब पढ़ना है, आगे बढ़ना है? पढ़ना है। पढ़ना है तो डॉक्टर बनना है? बनना है। अच्छा इधर देखो, 10वीं वापस से आप चाहेंगे या मैं दूसरी वापस से करूँ? उस समय आपके कम नंबर आए। हाँ मैं चाहती हूँ, मैं वापस कर सकती हूँ। वापस करोगे? करूँगी। फिर आपको वहाँ रहना पड़ेगा कला आश्रम में, 10वीं करने के बाद आपको 50 विलेज में रहना पड़ेगा, ये सब आप करेंगे? मैं करूँगी। है ना, वेरी गुड। आप बताओ आपका क्या नाम? आप नाम मोली। मोली भाई थोड़ी बच्ची है जो 50 विलेज टीम आई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर चाहे कि अगर बच्ची पास हुए तो मैं ले जाऊँ ना, एग्री हो? हाँ सही है, पता हो ले जाए, मेरे होशियार करो, कमजोर रहती, बीमार रहती। मैं 10वीं पास ही करा ला रही। सहमत हो? हाँ। अच्छा 10वीं कर। तो कितनी थोड़ा खुशी आया कि एक वीडियो बाद में इतना लोग आ रहा है, मिल रहे हैं? बहुत खुशी मिले। हाँ मैं खुश हूँ। धन्यवाद है थाने जो मरियम ममता रे भाई मदद करो थे। ममता रा माई करी। हाँ माँ बाप की तो भाई हो ममता रा। बिल्कुल अब ये इनसे बात की, अब मैं डॉक्टर भरत सारन से बात करूँगा, सर से जानेंगे। सर मैंने हालांकि हमारे जितने दर्शक हैं जितने लोग हैं उनको ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है, ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब से हमने इसका वीडियो डाला हर कोई व्यक्ति इस बच्ची को लेकर चिंतित थे कि यार बच्ची के साथ गलत हुआ है, ऐसा हो गया, बच्ची को आगे पढ़ाना चाहिए बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद आज हम फिर आपके साथ आए, क्या पूरी बात आप कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार कहूँगा। देखो अभाव कभी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं और अभाव के कारण कोई बच्चा अपनी पढ़ाई या जीवन को रोकता है तो उसकी मदद सामाजिक प्राणी होने के नाते सब करते हैं, ये एक बच्ची नहीं है, बहुत सारे लोगों ने हमारे पूर्वजों ने भी किया है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको करें। जैसा कल आपका एक वीडियो देखा था, चूँकि इस बार सिमनाराम जी और तनवीर जी और बाकी गुरुजन भी साथ में हैं, जब 50 विलेज का इस बार टेस्ट हुआ तो उसमें 100 से ज़्यादा लड़कियाँ बैठी, तो उसी दिन हमने डिस्कस किया था कि क्यों ना इस बार हम 50 विलेज में 10 लड़कियों को पहली बार लें, और ये डिसीजन हुआ ही था कि तीसरे दिन आपका वीडियो देखा तो हमने कहा 10 के साथ एक लड़की ये और बैठी रहेगी, इसको हम ले आते हैं। चूँकि ये बिल्कुल ही परिवार को देखो कुछ है नहीं, ये भी टूटा हुआ पड़ा चप्पर, इसमें कुछ है नहीं, अनुसूचित जनजाति परिवार की ये लड़की है और अपने पिताजी न होने के कारण, कमाने कोई न होने के, परिवार की स्थिति और फिर बीमार हो जाना, फिर भी एग्जाम देती है और पास हो जाती है। चूँकि इसके परसेंटेज कम है तो सर और खड़े हैं, जैसा अपन ने डिस्कस किया कि इस बच्ची को हम 10वीं वापस कराएं ताकि इसके परसेंटेज अच्छे हो जाएं, उसके बाद 11वीं और 12वीं वो साइंस लेके पढ़ेगी तो वो डॉक्टर भी बन सकती है। जैसा कल उसने कहा मुझे IAS बनना है तो आगे ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी तो उसके बाद वो वहाँ पर भी अपने IAS एग्जाम को दे सकती है। अभी हम क्या करें, हम इस बच्ची की नीड है कि मुझे कोई पढ़ाए, जिसके लिए गर्ल्स हॉस्टल चाहिएगा जो कलाम आश्रम में ऑलरेडी है। अब कलाम आश्रम सबको पता है कोऑपरेटिव मेथड से चलता है, कोई भी मदद करे ना करे हम लोग सब लोग करें मदद करेंगे, तो इसको पहले 10वीं वापस करवाएं, 10वीं करने के बाद 11वीं 12वीं में साइंस बायोलॉजी दिलाकर इनको आगे पढ़ाएं। अच्छा आपने सर बहुत बड़ी बात कही कि अगर हालांकि लोगों ने भामा साहब ने घोषणा भी कर दी बच्ची को पढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है, उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा कुछ कहीं ना हो तो आप लोग अपनी ओर से पढ़ा लें। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो 500 बच्चे कलाम आश्रम पढ़ रहे हैं, एक बेटिया बैठी है, तो हम तो मान रहे हैं कि ये हमारे तो ये हो सकता है, कई बार पुणे लिखे होते हैं वो भी हो जाते हैं। सिमनाराम जी सर और अभी आए थे तो हम ये कह रहे थे क्या पता हम किस 2 दिन पहले ही जब विचार करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना है, इस प्रकार की डिमांड आएगी, इसका मतलब वास्तव में एक प्रकृति चाहती है कि हम ऐसी बच्चियाँ, ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बच्चे हैं जिनको नीड है, उनकी हम मदद करें। अब एक बात बताऊं सर, हम एक बार पैसा देकर इसको दे देंगे जैसा आपने कहा, लेकिन वो पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ा देंगे तो कितने पैसे कमा लेगी, बात पैसे कमाने की नहीं है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा। जब से सदियों से परिवार बना, इस परिवार में किसी ने 10वीं पास नहीं की है, जैसा आप बता रहे हो, तो ये पहली बार होगी 10वीं पास की है, ये आगे जाके नौकरी कर लेगी तो कितनों को आगे नौकरी लगा लेगी। ये हम वो है कि लगातार एजुकेशन की ताकत को बनाएं, ये पढ़ लेकर इसके विचार अच्छे क्यों है, पढ़ी चिट्ठी क्यों लिखी, पढ़ी ताकत तो पढ़ाई की थी, तो हम पढ़ाई की ताकत के जरिए चीज़ों को चेंज करने में विश्वास करते हैं। और जो भी दर्शक सुन रहे हैं आसपास के अपने वातावरण में कई ऐसी बच्चियां और बच्चे हो सकते हैं, आप उनको पैसे मत दीजिए, आप उनको एजुकेशन दीजिए और एजुकेशन के लिए मदद करिए, वो अपने आप कमा लेगा। जैसा आपने कहा कि 50 विलेज में 90 बच्चे डॉक्टर बन गए, तो वो 90 बच्चे डॉक्टर का मतलब 90 परिवारों को वो संभाल लेंगे आगे जाके, तो ये बच्ची आगे जाके कुछ बनती है। तो हमारे जो टीचर्स हैं सब लोग हम यही कहते हैं कि बच्चे को सबल दो, उसको बैसाखी नहीं देनी है, उसको मजबूत करो ताकि वो पहाड़ों की ऊंचाइयों की, जिंदगी की ऊंचाइयों को वो पार कर सके। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही है, हमने भी कल ऐसा ही किया था कि जब इसका वीडियो अपलोड किया तो कई लोगों के फ़ोन आए हमारे पास कि फ़ोन पे नंबर दो, अकाउंट डिटेल दो, हम उनको कुछ मदद करेंगे। हालांकि मदद की ज़रूरत भी ऐसा ऐसी बात भी नहीं है कि उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई लोग चाहें इनकी मदद करना चाहें तो इनके घर आकर के बाड़मेर के चौटन में ढोक गाँव है वहाँ पर इनका घर है, प्रधानाराम इनके पिता का नाम था बच्ची के नाम, उनके
परदाना नाम के फादर का नाम जम्मा राम था, जम्मा राम खुद अभी बुजुर्ग हैं, इनके बच्चे के दादा वो है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनके लिए राशन ला सकते हैं, कुछ सहयोग करना चाहे तो आइए, मैं एड्रेस भी दूंगा, इनके मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। लेकिन इस बच्ची को, इस परिवार को पैसों से ज़्यादा बच्ची को जरूरत थी उसको पढ़ाएं, आगे कैसे बढ़ाएं, वो पैसे इसके लिए महत्व नहीं थे। मैं कह रहा हूँ मदद भी आ जाती, 5-7 लाख रुपए आ जाते, 2-3 साल में वो ख़त्म हो जाते कमा के, या बच्ची की शादी में या कुछ भी होता। लेकिन अगर ये बच्ची पढ़ करके कुछ बन जाती, और अगर डॉक्टर भी बन जाती, अच्छी अधिकारी बन जाती, तो जितने पैसे अभी मदद करते वो 1 महीने में कमा लेती। पैसा कमाते के साथ साथ कितनी बच्चियों को और पढ़ाती, कितने इनके परिवार, इनके समाज के लोग, इनके आसपास के बच्चे, इनकी खुद की शादी होती और समाज, तमाम जो बच्चे हैं वो कितने इनको देख करके आगे बढ़ते, कितनों का ये भविष्य सुधार, ये अहम बात थी। तनवीर जी, आप भी इस बच्ची से, परिवार के लोगों से मिले, क्या कहना चाहिए? बस बच्ची ज़रूरतमंद है, और विशेष रूप से डॉक्टर भरत सर ने बताया कि इसको शिक्षा की ज़रूरत है, और यही करने जा रहा है कलाम आश्रम, और आगे की शिक्षा का जिम्मा कलाम आश्रम ने लिया है। डॉक्टर साहब के निर्देशन में ये बच्ची अच्छा एजुकेशन लेके लाइफ में सक्सेस हो जाएगी, और हम दूर सब लोग दुआ करेंगे, और उसके लिए डॉक्टर साहब को और कलाम पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर अभी आप बच्ची से मिले भी हैं, आपने बच्ची का टेस्ट भी ले रहे हैं, बच्ची आप बातचीत भी किए हैं, क्या लग रहा है बच्ची का, किस तरीके का आई क्यू आपको लगता है? आई क्यू हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है, किस किन परिस्थितियों से बच्चा निकला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे की मैंने मार्कशीट भी देखी है, इसने मेहनत ज़रूर की है, लेकिन इसकी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से और बाकी इसकी शारीरिक समस्याओं के कारण, कुछ ऐसी बीमारी की वजह से ये कुछ अंक ज़रूर कम लाई है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे एम्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का सिस्टम है कि अगर आपके इंग्लिश में 60% मार्क्स आते हैं तो ही आपको क्वालिफाई किया जाता है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ST की बालिका है, और इसका जो जज्बा और इसका जो जुनून है वो ये है कि मैं पढ़ूंगी ज़रूर। हालांकि इसको बेसिक नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का नहीं है कि भाई किस तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ाया जाता है, इसने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सुनी, सुनने के बाद में उसका बिंब बनाया, और बिंब बनाने के बाद में इसने भी सोचा कि भाई मैं भी उस स्थल तक पहुंचूं। तो इस बच्ची ने कल, मैंने भी वीडियो देखा, इसने कहा मैं IAS बनना चाहती हूँ, RAS बनना चाहती हूँ, तो कुछ कुछ इसके दिमाग में है। तो हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी अंकों के साथ में ये 10वीं उत्तीर्ण कर ले, और 10वीं अगर उत्तीर्ण अच्छे अंकों से कर लेगी तो इसके कहीं भी आगे दिक्कत आएगी नहीं। और मैं खुद 2019 में मेरे बच्चे की MBBS में जो एम्स में सेलेक्ट हुआ था उसकी काउंसलिंग के समय गया था, तो वहाँ मैंने देखा था कि ST की 5 सीटें, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में 5 सीटें खाली रह गई। तो खाली रह गई तो वहाँ सिस्टम ये होता है कि जो सीटें जिस कैटेगरी की खाली रहती है तो उसे जो अपर कैटेगरी यानी ST की खाली रही तो SC की नंबर आया, लेकिन SC के भी केवल 2 ही बच्चे सेलेक्ट हुए, 3 सीटें ST की फिर भी खाली रह गई, तो फिर OBC को मौका दिया गया और OBC के 3 बच्चे ST की कैटेगरी पर सेलेक्ट हुए थे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये बच्ची अच्छे से एजुकेशन ले, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके और मेडिकल सेवा या अन्य किसी भी सेवा में आगे अपना कैरियर बनाए, और इस गांव के बच्चों को भी संदेश दे, गांव के बच्चों के लिए एक आइकन बने। अच्छा सर, आप काफ़ी समय से इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आपको इस ममता में कहीं ना दिखता है डॉक्टर ममता या मैडम साहब, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? मैंने अभी यहाँ जो बच्चे खड़े थे उनसे पूछा था, मैंने कहा इस गांव में कोई आपके भीलों में कोई सरकारी नौकरी में भी है क्या, तो इन्होंने कहा था कि एक टिकमा राम जी करके थे जो शायद डॉक्टर थे और उसके बाद में रिटायर हो गए, उसके बाद तो हमारी नज़र में तो कोई है नहीं, और बिल्कुल भोले भाले और जो निर्विकार ये लोग हैं। मुझे ये ज़रूर आशा है कि ये बच्ची अगर लगन और ईमानदारी के साथ, जैसा इसका लग रहा है, अभी पेपर दे रही थी तो कह रही थी सर मुझे डर बहुत लग रहा है, मैंने कहा बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कोशिश करेगी तो ज़रूर अपनी मंजिल और मुकाम को तय कर लेगी। बिल्कुल, हम सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये अपनी मंजिल तक पहुँचे। इसकी मंजिल तक पहुँचने में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये पूरी की पूरी मेहनत है ममता स्वयं को करनी होगी, और हम सब लोग यही कोशिश करेंगे कि ममता बहुत अच्छी पढ़ें, आगे बढ़ें। और एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा, हालांकि कई लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग ममता से मिलना चाहते हैं, उनके घर जाना चाहते हैं, उनका कुछ सहयोग करना चाहते हैं। इनके मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ, अगर आप इनसे मिलना चाहें, इनके घर आना चाहें, तो इनका गांव है चौहटन, जो बाड़मेर ज़िले में चौहटन के पास ढोंक गाँव है। इनके पिता का नाम प्रधान राम, पुत्र जम्मा राम भील, ये वहाँ के हैं। आप किसी को भी यहाँ आकर के पूछ लेना, तो इनका घर सड़क के पास नहीं है, 100-200 मीटर डिस्टेंस है, आपको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, गाड़ी नहीं आएगी, और यहाँ आके आप बच्ची से मिल सकते हैं, कुछ सहयोग करना है तो कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर जो है, मैं गुड़िया तो बोलूँगी बेटा, मोबाइल नंबर आपके याद है मम्मी के?
आपको याद है? आओ 900 एक सेकेंड बताएं इनके नंबर 900 4 4 5 6 9 00 4 4 4 5 6 ये इनके मोबाइल नंबर है बच्चे की मम्मी के। बेवजह कॉल नहीं करें, अगर आप वाकई में यहाँ आ गए हैं भूल गए हैं तो आप इनको फ़ोन करिएगा, आइएगा। तो एक बार सभी दर्शक इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सीख जब मिलती है, बहुत लोगों के लिए वीडियो काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।